राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार अपनी स्पीड पकड़ता जा रहा है, जहां पर 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। बात जब चुनावी समीकरण की हो रही है तो हर सीट पर जातिगत समीकरण के साथ ही स्थानीय नेता का समीकरण भी काफी मायने रखता है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी खाजूवाला विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे सपोटरा विधानसभा सीट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। तो आपको बता दें, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मीणा जाति के वोटर्स की यहाँ अच्छी खासी संख्या है, लेकिन इस सीट पर बैरवा, माली और गुजर जाति के वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बनाने में और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 272,834 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस सीट से कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस बार भी रमेश चंद मीणा को मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी ने इस बार हंसराज मीणा को मौका दिया है। बता दें, सपोटरा विधानसभा सीट पर एक विधायक को छोड़कर आज तक किसी भी विधायक को हैट्रिक लगाने का मौका नहीं मिला है। जिले में किसी भी पार्टी ने अभी तक जीत की हैट्रिक नहीं लगाई है। सपोटरा विधानसभा सीट पर रमेश चंद मीणा ही इकलौते ऐसे विधायक है जिन्होंने 2008 से लेकर 2018 तक जीत की हैट्रिक लगाई है। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी से जीतकर आए 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद मीणा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी। रमेश चंद मीणा इस समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। वही अगर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी पिछले विधानसभा चुनाव की, तो आपको बता दें, सीट पर 249,633 मतदाता थे जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद मीणा को 76,399 वोट देकर विधायक बना दिया था, जबकि भाजपा उम्मीदवार गोलमा देवी के खाते में 62,295 वोट आए थे और उन्हें 14,104 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसके सर पर ताज पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।